गाना बड़ा अच्छा लगा, और रामा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, नंदिनी इनकी बहन, दूसरी बहन सब, और इनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है। ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अली जी, और उन्होंने गाना बड़ा अच्छा बनाया। आजकल क्या हो गया है कि पहले ऐसे लगता है पता नहीं क्या गाना पड़ेगा, जाए कि नहीं जाए, कैसा गाना है, क्या बोल हैं, कुछ पता नहीं लगता है। ये नया गाना है भी, इनका पहला ही गाना है शायद, और अलग किस्म का गाना है। वो बता दूंगी तो क्या फ़ायदा है, वो आप सुनिए बाद में और फिर बताइए। अच्छा गाना बनाया, अच्छा लिखा है, और पिक्चर की स्टोरी जो मैंने थोड़ी बहुत सुनी, किस लिए मैं स्टोरी सुनती हूँ, क्योंकि हमें पता लगे कि हमको कैसे गाना है, किसके लिए गा रहे, क्यों गा रहे, पता होना चाहिए। तो ये पुरानी स्टाइल है हमारी, अभी मालूम नहीं क्या होता है। तो मैंने पूछा कि आप मुझे स्टोरी बताइए थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे जिस तरह स्टोरी बताई और जिस तरह गाने का सिचुएशन समझा दिया, तो उससे बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि फिर गाने में हम वो भाव डाल सकते हैं, और वो मैं कर सकी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। कि और ऐसा भी नहीं कि एक बार गाना गा के चल दिए, मैंने पूछा दो दो तीन तीन बार के और गाऊं, एक बार और फिर करके दूं। आजकल के संगीत में सबसे कमज़ोर बात है लिखना, गाना लिखा हुआ अच्छा नहीं होता है, डीप मीनिंग का नहीं होता है, ईजी नहीं होता है गाने के लिए। और फिर ट्यून भी है, वो जैसे पुराने हमारे लोग थे उतना वो ध्यान नहीं देते। उसके लिए क्या है, गाना सीखा होना चाहिए, जिसने गाना सीखा है वो बना सकते हैं, और ये भगवान की भी देन होती है कि अच्छी ट्यून बने। फिर हम लोग का काम होता है कि गाने को सजाना, काजल डालना, लिपस्टिक लगाना, अच्छे कपड़े पहनाना, ये हमारा काम होता है प्लेबैक सिंगर का। तो गाना पहले आत्मा जो है उसके बोल हैं, शरीर है जो म्यूज़िक डायरेक्टर बनाता है, और हम लोग हैं वो शास्त्र गार चलाते हैं।